Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Zai Ke Ke Rang. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो काफ़ी दिनों से मुझसे लोगों ने वेजिटेरियन चीज़ों की फरमाइश की हुई थी, तो मैंने कहा चलो कुछ दिनों हम वेजिटेरियन चीज़ें बनाएं कुछ ज़बरदस्त सी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मज़ेदार आलू बैंगन, जो कि आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे, बहुत टेस्ट देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मेरे पास हैं बैंगन और आलू, जो कि मैंने इस तरह के स्क्वायर पीसेस में काट के रखे हुए हैं, अबाउट हाफ के जी ईच है, ठीक है जी। तीन मीडियम साइज़ मेरे पास हैं टमाटोज, 1/4 कप मेरे पास ऑयल है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। एक है मेरे पास हरी मिर्च, 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, मेरे पास 1/2 teaspoon मैं यूज़ करूँगी चाट मसाला, 1/4 teaspoon मैं इसमें डालूंगी साबुत मेथी दाना, 1/4 teaspoon ही मैं इसमें डालूंगी कलौंजी, जैसे कि आप सबको पता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, ज़ीरा 1 teaspoon, हल्दी अगेन 1/4 teaspoon, रेड चिलीज मैं 1 teaspoon डालूंगी, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। कसूरी मेथी है मेरे पास, जो कि मैं यूज़ करूँगी अराउंड 2 teaspoon, और ये गर्म मसाला जो कि अगेन 1/2 teaspoon मैं यूज़ करूँगी। तो शुरू करें। चलिए, ये चूल्हा हमने ऑन कर लिया है और सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 cup ऑफ ऑयल, साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी ये मेथी दाना, ठीक है जी, कलौंजी एंड ज़ीरा, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक ये क्रैकल ना होने लगे, थोड़ा सा इसको हम तल लेंगे, ठीक है। वंस ये क्रैकल करना शुरू करेगा, थोड़ा सा आवाज़ें आना शुरू होंगी इसमें फ्राई होने की, तो फिर हम इसमें आलू और बैंगन अपने एक साथ ऐड करेंगे, इसलिए कि आलू थोड़े से फर्म अच्छे लगते हैं और बैंगन थोड़े से घुटे हुए। तो जैसे ये क्रैकल करना शुरू करता है, वी आर गोइंग टू ऐड जो हमारी सब्ज़ी है इसमें। बहुत अच्छी अभी ये फ्राई हो रही है, क्रैकलिंग साउंड आ रही है। एक छोटा सा स्टेप बिफोर वी ऐड अपने बैंगन और आलू, हम इसमें ऐड करेंगे अपना ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और इसको हम थोड़ी सी देर में भूनेंगे। ज़बरदस्त जो अदरक लहसुन को भूनने की स्मेल आने लगती है, कुछ भी ज़बरदस्त वेरी अरोमेटिक। और इस पेस्ट पे हम अपने आलू और बैंगन इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। साथ ही साथ हम इसमें टमाटोज भी अपने ऐड कर देंगे, एंड देन हम इसकी सीजनिंग शुरू करेंगे जी। अब हम इसकी सीजनिंग करेंगे, 1/4 teaspoon हम इसमें डालेंगे अपनी हल्दी, 1 teaspoon भर के मैं रेड चीज़ ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1/4 teaspoon इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी, 1/2 teaspoon मैं इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला, और ज़बरदस्त इससे टेस्ट आता है, और 1 teaspoon मैं सॉल्ट ऐड करूँगी इसमें, कुछ सॉल्ट होते हैं ज़्यादा नमकीन होते हैं तो उस हिसाब से आप अरेंज कर लें, और एक साबुत ग्रीन चिली मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। एज यूजुअल हॉट वाटर मेरे पास मौजूद है, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स बबलिंग, वो थोड़ा सा अराउंड 1/2 cup, व्हेन इट स्टार्ट्स बबलिंग जब ये बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाए इसमें, तो हम इसको ढक्कन ढक के तो फिर बैंगन और आलू के गलने तक पकाएंगे। ये बॉयलिंग हो रहा है अच्छी तरह से, तो हम इसका भी ढक्कन लगा के दरमियानी हल्की आंच पे पकाएंगे, मीडियम लो फ्लेम, और जब बैंगन और आलू गल जाएंगे उसके बाद हम इसमें अपनी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, ठीक है जी। बैंगन तो हमारे काफ़ी हद तक गल गए हैं, आलू भी हमारे ऑलमोस्ट होने वाले हैं, इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये 2 teaspoon कसूरी मेथी, ताकि भी साथ थोड़ी पक जाए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और कलौंजी की वजह से भी ये हेल्दी भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि आप सबको पता है कलौंजी की अफादियत, तिब्बे नबी में भी बहुत ज़्यादा इलाज इसके बारे में चीज़ों से बताया गया है, कहते हैं कि हर मर्ज़ की दवा है इसमें सिवाय मर्ज़ुल मौत के, इसका कि कोई इलाज नहीं है, तो कलौंजी खाना हर लिहाज से फ़ायदेमंद है, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट डन है, बस थोड़े से आलू और हो जाए फिर हम जो है इसको डिश आउट करेंगे। ये थोड़ा सा हरा धनिया मैं ले आई हूँ गार्निश करने के लिए, जैसे ये तैयार होता है हम इसको डिश आउट करते हैं।
अब ये गल गया है, देखें आलू हमारे साबुत हैं और बैंगन हमारे काफ़ी हद तक खुल गए हैं, तो फुटा हुआ इसका टेस्ट आ रहा है, आई मीन टेक्स्चर आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त ही लग रहा है। इस स्टेज पे जो लोग चाहें ऑप्शनल है, या तो थोड़ी सी इमली डाल दें या थोड़ा सा लेमन जूस। सो मैं अराउंड 1 टीस्पून इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। अगर आप नहीं पसंद ऐसा तो आप नहीं ऐड करें, इट्स ओके, बट ऐड करेंगे तो टेस्ट इसका काफ़ी इन्हांस हो जाएगा। ठीक है जी, ज़बरदस्त ये हमारे आलू बैंगन तैयार हो गए हैं, तो अब हम इनको डिश आउट करते हैं। ज़बरदस्त गर्मा गर्म आलू बैंगन हमारे तैयार हैं वेजिटेरियन स्पेशल में। आप हम इस पे हरा धनिया स्प्रिंकल करके थोड़ा सा इसको और सर्विंग के लिए रेडी करेंगे। रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, दाल चावल के साथ भी, जिस तरह से आपको पसंद है। और ज़रूर ये ट्राई करें, बहुत मज़े के लगते हैं। मुझे बताएं कैसे लगे, और भी आपकी कोई फरमाइश हो तो ज़रूर बताइए मुझे, हम उसको पूरा करेंगे। तो जिन लोगों ने वेजिटेबल्स की फरमाइश की थी, अब कुछ वेजिटेबल्स भी हमारी आ गई हैं। कोई और ख़ास वेजिटेबल्स की फरमाइश हो आपको तो ज़रूर बताइए। मुझसे करेलों की फरमाइश की है किसी ने कि वो कड़वे नहीं बनाना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगी कि किस तरह करेलों को बनाया जाए कि वो कड़वे ना रहें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि करेले तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। फ़िलहाल आप ये मज़ेदार आलू बैंगन बनाइए, ट्राई कीजिए, मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। अपना बहुत ख्याल रखिए आप लोग सब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।